फ्रेंड्स, आज बाजार बंद हो जाने के बाद शाम को 7:30 बजे के आसपास दीपक नाइट्राइट के शेयर के ऊपर फंड रेस करने से रिलेटेड एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहां पर अभी ऐसे 2326 रुपये के आसपास ट्रेड करा है और इस शेयर से फ्रेंड्स काफ़ी लोग परेशान हो गए, क्योंकि आप देख सकते हो बीच में ये शेयर थोड़े टाइम पहले 3000 रुपये के आसपास चला गया था। तो जिसने भी हायर लेवल पर इस शेयर को बाय किया है उसको अभी भी पिछले 3 महीने से अकाउंट में लॉस दिख रहा है और इसी वजह से सभी ट्रेडर भाई इस स्टॉक से परेशान है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। अगले आने वाले तीसरे चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट भी इसके शानदार आने वाले, मगर बाजार में सेंटिमेंट नेगेटिव बना है, इसी वजह से हमें इस शेयर में बहुत बड़ी तेज़ी वापस देखने को नहीं मिल रही जल्दी। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यूज़ की बात करें तो वेनसडे 22 दिसंबर को दीपक नाइट्राइट के बोर्ड की मीटिंग है, फंड रेस करने से रिलेटेड डिसीजन वहाँ से निकल कर आएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स किस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से दीपक नाइट्राइट फंड रेस करता है।